नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरों पर। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली के ग्राम धौरा में खेत पर एक नाबालिग लड़की की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच कर कार्यवाही शुरू कर दी है। पिता ने 10 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार सुबह क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब ग्राम धौरा में खेत पर एक नाबालिग लड़की की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर देने की सूचना आई। लड़की के पिता बबलू प्रजापति ने बताया कि वह सुबह अपनी पुत्री के साथ खेत पर आया था। खेत के पास में नदी होने के कारण वह कपड़े धोने के लिए भी लाया था तथा घर में बंधे मवेशियों के लिए चारा काटने के लिए कुल्हाड़ी भी लाया था। कुल्हाड़ी पुत्री के हाथ में थी। जैसे ही बबलू पुत्री के साथ खेत के पास पहुंचा तभी घात लगाए बैठे लगभग 8 आदमी एवं 2 महिलाओं ने दोनों पर हमला बोल दिया। बबलू ने दौड़ लगाकर अपनी जान बचाई लेकिन हमलावरों ने पुत्री के हाथ से कुल्हाड़ी छुड़ाकर उसकी गर्दन पर वार कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर क्षेत्राधिकारी विवेक सिंह, कोतवाली प्रभारी शैलेंद्र सिंह, अतिरिक्त प्रभारी सुनील कुमार व झांसी से ग्रामीण पुलिस अधीक्षक घटना पर पहुंचे व घटना की जाँच करने में जुट गए। पुलिस शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। मऊरानीपुर से जगदीश की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बबलू। बबलू कहाँ से हैं आप? धोरा। धोरा से। आज क्या घटना हुई है? आज घटना आज ये हुई है कि हम अपनी बच्ची कपड़ा धोने के लिए आए थे। चलो खेत पे हमने की चलो देखे कपड़ा धो लिया हमें खेत पे मूँगफली देखे हैं। हम घर से निकले थे 6:30 बजे। अच्छा। मतलब 6:30 बजे थे तो मतलब 7 बजे में कछु कम थे तो आ गए थे हम लोग। अब उनने फिर कपड़ा वपड़ा धोने लगे धोते हैं। 7 बजे के बाद हमने कपड़ा धो के रख के निकले। हमने 2 लेडीज समझ देख लो, एक पुलिस आ देख लो, हमने चलो ये काट में जाएंगे। एक लेडीज हो जो बेसम की नगर खड़ी है उस साइड ऑफ बेसम में। आदमी रखा नहीं देखो हमने पहले कि ये आदमी है। हमने क्यों काट में जा रही हूँ, हमने देखो नहीं पहचान ला लाल तोड़िए डाले थे पुलिस। हम तो आदमी थे 8 लेडीज थे, 2 से 1 था पहचान, 1 का पहचान नहीं है मेरे आदमी ने। 6 का पहचाना है, 2 को नहीं पहचाना है। ढट्टी बांधे थे वो यहाँ के भग गई मुमकिन होंगे ऐसे ऐसे। 6 का पहचाना है मैंने, सलीम खां, मजीद खां, रफीफ खां, फूल खां, धर्मपाल खां और रामजीत खां। अच्छा। इनका पहचान लिया हमने तो थे। हमने दौड़ लगा, हमने बिटिया हालां मंगा जी तो हमें आया कलेजे छोड़ा के। हम तो सब पुलिया लोग पहुँच गए फिर हमें जे देखा ना है लौट आए हैं इतने दो तो भग गए ना जी आए 15 मिनट हम खड़े आए थे। हमने की बिटिया तो आई गई तो फैल लौट के हम अत आए फैल दौट के अरे बिटिया था मजड़ी थी मूर पटको बहते थे भाभी माती आए दिन माती को गाय पहुँची। हमने माती भाई बिटिया हाँ मारा जो आया करने वो हमने बच हमने कोई माती तुम बचा लो बोले तो मैं भग जा भैया। किस बात को लेके था तुम्हारा? हमारा इसके कोई विवाद नहीं था, सिर्फ पैसे पैसे का विवाद था, कुछ नहीं विवाद था। पैसा भाई रहा था ये गलत थे हम तुम्हें देख ले, हम गलत थे हम तुम्हें 5000 जुए के ले लें। आज सुबह एक बच्ची को कुछ लोगों के द्वारा मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया। उनके पिता के द्वारा बताया गया है कि पैसे के लेन देन को लेके पड़ोस के गांव के लोगों के साथ उनका विवाद था जिसमें महिला और पुरुष मिल हमला करके उनकी बच्ची की हत्या कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल का विजिट कर लिया है। महत्वपूर्ण सुराग हमें घटनास्थल से मिले हैं। जो भी विधिक प्रक्रिया है उसको पुलिस संपन्न करवा रही है।